Hello students, so today we are going to do chapter 4, my Tehsil, that is taluka of chapter, uh, class, sorry, class 4th, EVS. So friends... यू मे हैव सीन मैनी काइंड ऑफ़ मैप्स आप लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरह के मैप्स देखे होंगे जिसे हम मानचित्र भी बोलते हैं मैप्स प्रोवाइड अस डिफरेंट इंफॉमेसन एंड नॉलेज ईजीली तो ये जो मैप्स हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं ये हमें क्या जानकारी देते हैं तो ये हमें बहुत ही अलग अलग जानकारी देती है और नॉलेज देती है वो भी कैसे बहुत ही आसानी से वी कैन फाइंड मैप्स ऑफ विलेज तहसील दैट इज़ ताल्लुका डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशन एंड वल्ड तो ये जो मैप्स हैं इससे हमको क्या जानकारी मिलती है बहुत ही हमारे जो भी आ, आ, स्टेट में यानी कि राज्य में या हमारे कंट्री में अलग अलग गांव होते हैं तहसील होते हैं डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट होते हैं नेशन होते हैं और अलग अलग जो जितनी भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में ये सब हमें मैप्स बताता है ओके okay. तो जैसे हम बात करते हैं तालुका की तहसील जैसे हमारा जो चैप्टर है वो तहसील है तो हमारी तहसील क्या हुई हमारी तहसील है हिम्मत नगर ओके जिसे हम तालुका बोलते हैं अब डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ हमारा साबरकांठा हुआ हमारा स्टेट कौन सा हुआ गुजरात एंड नेशन कौन सा हुआ तो इंडिया ओके okay. तो ये जो पूरा स्टेट है इसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं या जितनी तहसील आती हैं या जितने विलेज आते हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको मैप में मिल जाती है ओके योर स्कूल आल्सो मे हैव डिफरेंट मैप्स हमारी स्कूल के पास भी अलग अलग मैप होते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैप में आपको ये बताते हैं कि अगर हमारे पास स्कूल का मैप है सो इट विल शो यू वेर इज़ योर लाइब्रेरी वेर इज़ प्ले ग्राउंड वेर इज़ different classes where is principal room etc so get the map of your tehsil and study it so, to humko kya karna hai hamare school ka uh, jo sorry tehsil ka jo map hai wo humko study karna hai okay okay now see and write यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ आपको क्या दिया है सी and write, यानी yani, names of surrounding village. आपके Uh, आगे पीछे जो भी विलेजेस हैं सराउंडिंग यानी आगे पीछे जो भी विलेजेस हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं ओके इन द नेक्स्ट कॉलम नेम ऑफ द बिग विलेजेस ऑफ द तहसील जो आपके तहसील के आगे पीछे बड़े बड़े गांव हैं वो आपको लिखना है सेकंड बॉक्स में एंड नेम ऑफ द तहसील नियर बाय योर तहसील एंड इन द थर्ड कॉलम यू हैव टू राइट तहसील आपकी तहसील यानी अगर हमारा तहसील हिम्मत नगर है तो हमारे हिम्मत नगर तहसील के आगे पीछे जो दूसरे तहसील है उसको हमें लिखना है ओके नाउ थिंक एंड से ओके यहाँ देखो विच ऑफ़ द villages हैव यू विजिटेड डिस्क्राइब इन द मैप जब आप मैप देखते हो तो उसमें आपको अलग अलग गांव दिखेंगे। तो आपको ये देख के बताना है आपको सोच के बताना है कि आप इसमें से कौन से कौन से गांव में जा चुके हो विजिट मतलब जा चुके हो। Which आर worth सींग places इन योर तहसील आपकी तहसील में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है यानी जाना वहाँ जाकर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है वेच आर द पिलग्रमेज प्लेसेज इन योर तहसील आपकी तहसील में पिलग्रमेज प्लेसेज यानि जो आप बोलते हो मंदिर वगैरह ये कहाँ पर हैं अलग अलग जो मंदिर वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ हैं वेर डू यू हैव फेयर इन योर तहसील आपके तहसील में कहाँ कहाँ पर मेले लगते हैं ओके okay, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको मैप में से मिल सकती है नेक्स्ट जस्ट ऑब्ज़र्व आपको देखो यहाँ पर क्या करना है यू हैव टू ऑब्ज़र्व वन पिक्चर इज गिवन इन यू हैव टू ऑब्जर्व ना जस्ट लुक इट केयरफुली इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये एक मेला है राइट यू कैन सी डिफरेंट काइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स यू कैन सी अम्यूजमेंट लाइक चकडोर दिख रही है कोई कुछ uh, अलग अलग तरह के झूले हैं डिफरेंट शॉप्स हैं स्वीट कॉर्नर है उसमें आइसक्रीम सेंटर है बलून शॉप है रिफ्रेशमेंट है टॉय शॉप है तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिल रही हैं मेले में मिल रही हैं ओके तो देखो आपको ये इसको देख कर यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना है ओके ना हो मैं आपको बताती हूँ ये एक uh, सच बात है आपने गुजरात के बारे में सुना होगा कि गुजरात का एक जो मेला है वो बहुत ही फेमस है वो भी वर्ल्ड वाइड दैट इज़ तरनेतर मेला तरनेतर का जो मेला होता है ये सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में है एंड सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के कौन सी जगह पे थानगढ़ तो ये बहुत ही फेमस मेला है यहाँ का ओके नाउ थिंक कैन से विच फेयर्स हैव यू सीन आप अपने पेरेंट्स से पूछिए uh, कि आप लोगों ने कौन से अभी तक मेले देखे हैं वॉट डू यू लाइक इन फेयर्स आपको मेलों में क्या पसंद आता है वॉट डू वी फाइंड इन द फेयर आप मेले में आपको क्या मिलता है वैन आर द फेयर्स हेल्ड और ये मेले कब होते हैं हाउ डू यू फील वाइल राइडिंग द मेरी गो राउंड और आपको कैसा फ़ील होता है जब आप मेरी गो राउंड वो जो एक बड़ी सी जैसे हम चकडोर बोलते हैं उसमें बैठते हो तो आपको कैसा फील होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप मेलों में जाते हो तो आपको मिलेंगी या फिर आप अपने एल्डर्स यानी बड़ों से बातें करोगे तो आपको पता चलेगा ओके नेक्स्ट इज राइट राइट द फॉलोइंग डिटेल्स फ्राम द बुक आवर डिस्ट्रिक्ट अवर डिस्ट्रिक्ट करके एक बुक है उसमें से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर पेरेंट्स ओके सो नाउ इन द फर्स्ट फेयर्स ऑफ तहसील आपका जैसे तहसील है तो तहसील में कौन से फेयर्स होते हैं तो वेर आर द फेयर हेल्स हमारे जैसे हिम्मत नगर जो तहसील है तो यहाँ पे कब मेले होते हैं ठीक है वैन आर द फेयर्स हेल्ड कब होते हैं वेर आर द फेयर्स हेल्ड यानी कि कहाँ होते हैं वैन आर द फेयर्स हेल्ड यानी कि कब होते हैं एंड वाई आर द फेयर्स हेल्ड यानी कि क्यों होते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पूछ के यहाँ लिखनी है ओके नेक्स्ट इज पिलग्रमेज प्लेसेस ऑफ तहसील हमारी जो तहसील है उसके जो भी पिलग्रमेज प्लेसेस हैं यानी जो मंदिर वगैरह हैं मंदिर है मस्जिद है या कर, चर्च वगैरह कुछ भी जो पिलग्रमेज भाव से रिलेटेड ये कहाँ पे है हमारी तहसील में तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है उसमें नेम ऑफ द प्लेस यानी कि मंदिर uh, कौन सी जगह पे है मतलब कौन सी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अम्बाजी का मंदिर ठीक है फिर वेयर इज़ इट सिचुएटेड तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है अम्बाजी में है ना वॉट इज़ इट नोन फॉर वो क्यों किस बात के लिए फेमस है तो वो आपको यहाँ लिखना है ओके सो लाइक दस नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ द तहसील हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास से जुड़ी हुई ठीक है नेम ऑफ द प्लेस इतिहास से जुड़ी हुई यानी कि राजा ज, राजा महाराजा की जो किले वगैरह होते थे ठीक है पैलेसेस होते थे वो आपको उसके बारे में जानकारी लिखनी है तो नेम ऑफ द प्लेस तो जो भी इसका किला है लाइक like पर्टिकुलर एक राजा का किला है वो कहाँ सिचुएटेड है उस पैले उस प्लेस की क्या स्पेशलिटी है क्या खासियत है तो ये आपको लिखना है ओके नाउ अगेन थिंक कैन से विच इज़ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रमेज प्लेस इन योर तहसील आपकी तहसील में ऐसी कौन सी है? एक आ, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ज़्यादातर तो लोग जाते हैं वाई शुड वी कंजर्व द हिस्टोरिकल प्लेसेस हमको ये हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्यों कंजर्व यानी बचा कर क्यों रखना है तो ये सारा आ, हमको सोचना है कि क्यों हमें ऐसा सब करना है नाउ अ नोट अबाउट द विलेज ऑफ हर्ष यहाँ पे एक नोट है जो हर्ष के विलेज के बारे में कुछ बता रहा है तो आप देख सकते हो ये जो मैप है इसमें लोथेश्वर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ठीक है यहाँ जयपुर दिया हुआ है वराना दिया हुआ है और रावड़ दिया हुआ है ओके सो द मैप ऑफ द एरिया सराउंडिंग हर्ष विलेज इज गिवन हेयर यहाँ पे हर्ष के आगे पीछे का जो सराउंडिंग विलेज है वो हमें दिया हुआ है हर्ष लिव्स इन जयपुर हर्ष कहाँ रहता है जयपुर में रहता है वन कैन गो टू लोथेश्वर फ्रॉम हियर यहाँ से अगर किसी को लोथेश्वर जाना है तो वो ईजीली जा सकता है ओके okay. हीयर इज़ एंशियंटम्पल तो जब आप लोथेश्वर जाते हो आपको यहाँ पर एक एंशंट यानी बहुत ही पुराना टेम्पल मिलेगा बहुत ही पुराना मंदिर मिलेगा वी कैन गो टू वरना फ्रॉम जयपुर तो हम लोग जो वरना है वो जयपुर से जा सकते हैं देर इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडस इन वरना यहाँ पे एक देवी का मंदिर है देर इज़ अ व विलेज नेम रावण नियर जयपुर और एक विलेज है जयपुर के पास में देर इज़ अ बिग पॉइंट और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक तालाब है ओके okay? सो so, अब आपको क्या करना है ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ एरिया सराउंडिंग योर विलेज आपको आपका जो भी विलेज है उसके आगे पीछे का जो भी एरिया है उसको ड्रॉ करना है सो टिल हियर आई विल टीच यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स ओके थैंक यू